आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं उषा यादव। तो गाइस, आज मैं अपने साईं बाबा के व्रत का उद्यापन कर रही हूँ और ये देखिए, मैंने साईं बाबा को हल्दी का टीका कर दिया है और यहाँ फ्रूट्स चढ़ा दिए हैं, उनकी मनपसंद खिचड़ी, और दीपक जला के धूपबत्ती अगरबत्ती जला के रख दी है। आज मैं बता रही हूँ व्रत रखने के सरल नियम। साईं भक्तों को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत कर रखना चाहिए। स्मरण रखें कि मन में बैर रखें, कभी भी साईं बाबा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सरल व्रत सभी स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें, फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज आदि के इस्तेमाल पर रोक नहीं है। यह व्रत सरल होने के साथ भी बहुत चमत्कारी माने गए। प्रत्येक गुरुवार को विधिपूर्वक व्रत रखने से इच्छा फल की प्राप्ति होती है। तो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने व्रत में क्या से क्या किया और मैं आपको इस वीडियो में, आप लोग बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, मैं संपूर्ण विधि दिखाऊँगी मैंने आज कैसे उद्यापन करा। गाइस, तो हम यहाँ पर साईं बाबा की आरती करेंगे। हमने पूरी कथा पढ़ ली है। परमानंद सदा सुखवार की जाके कृपा से विपुल सुखारी, दुख संकट संकट भयंकर, सीढ़ी में अवतार रचाया, चमक कर सतत दिखाया, तत्व दिखाया। कितने भक्त शरण में आए, वह सुख संपत्ति चिंतन पाए, भव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वही कैसा, गुरु की उद्धि लगाओ तन को, समाधान लवत उस मन को, साई नाम सदा जो गावे, सफल जग में सस्वत पावे, गुरु वार्षिक करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरु देवा, राम कृष्ण हनुमान रूप दे दर्शन जाना, जो मन में विविध कर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते, जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवध गुरु की, साईं बाबा की आरती जो कोई गावे घर में बस शांति पावे, जय साईनाथ भगवान की जय। तो देखिए, हमने अपने साईं बाबा को यहाँ खिचड़ी खिला दी है भोग में। तो हमारी यहाँ पूजा विधि हो चुकी है। अब मैं बांटूंगी खिचड़ी और पुस्तकें साईं बाबा की। गाइस, तो देखिए, हम ये साईं बाबा की बुक लाए हैं और इसमें तिलक लगा के किसी को भी हम इसे तिलक लगा कर ही बांटेंगे। सभी बुकों पे टीका कर लेना है। गाइस, तो देखिए, सभी पुस्तकों में हमने तिलक लगा दिया है। अब हमें इन बुकों को ले जाके लोगों में बांटेंगे और खिचड़ी बांटेंगे। जय जय श्री साईनाथ भगवान की जय। गाइस, जो सुहागिन महिला होंगी उन्हें हम ये साथ में बिंदी भी देंगे। गाइस, तो देखिए, ये हमारी भोग की खिचड़ी, हम ये बांटने ले जा रहे हैं। पुस्तकें जो मैरिड वुमेन है उनके लिए बिंदी साथ में हम देंगे। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे मम्मी को बुक। बोलिए जय साईनाथ। जय साईनाथ। और ये हम इनको देंगे आज की भोग की खिचड़ी। लीजिए गाइस, तो हम यहाँ खिचड़ी बांट के भी आ गए, कुछ खिचड़ी और बांटने ले जा रहे हैं। जय साईनाथ महाराज, ऐसी सबकी इच्छा पूरी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय साईं महाराज। थैंक यू, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।